अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ब्यूटी टिप्स विद राना। आज मैं आपको बताऊंगी हेयर मास्क जो आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा और आपको स्मूथ और सिल्की हेयर देगा। इसके लिए आपको चाहिए एग योक, कंडीशनर या कोई भी हेयर मास्क। कंडीशनर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, एलोवेरा जेल ये भी किसी भी ब्रांड की हो सकती है, विटामिन ई कैप्सूल। आपने एक एग योक लेनी है, इसमें एक चम्मच कंडीशनर या हेयर मास्क जो भी आपके पास हो इसमें ऐड करना है। इसके बाद आपको चाहिए एलोवेरा जेल जो कि किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हो, 1 टेबल स्पून। इसके बाद आपको चाहिए 2 विटामिन ई के कैप्सूल जिन्हें खोल कर आप इसका ऑयल इस मास्क में ऐड कर देंगी। इसके बाद आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने ये वाला हेयर मास्क अपने लेंथ पे लगाना है, रूट पे नहीं लगाना, क्योंकि जो भी हेयर मास्क होते हैं या कंडीशनर होते हैं उनको हम रूट्स पर नहीं लगाते। अगर आप इसमें कोई मास्क या कंडीशनर यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको अपने रूट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने अपने हेयर्स पर कोकोनट ऑयल पहले ही लगा लिया है ताकि अगर मेरे हेयर्स में यानी रूट में ड्राइनेस है या कोई और इशू है डैंड्रफ वगैरह का, वो इससे सॉर्ट आउट हो जाए। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो आप एग वाइट में 1 या 1/2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ऐड कर अपने रूट्स में लगा सकती हैं। इससे क्या होगा, आपका जो ऑयली स्कैल्प है वो सही हो जाएगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा जिससे आपका एक्स्ट्रा ऑयल ख़त्म हो जाएगा। ये जो मास्क है इसको आपने अपने हेयर्स पर 1.5 या 2 घंटे के तक के लिए अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद आपने अपने हेयर्स को शावर कैप के साथ या किसी प्लास्टिक के बैग के साथ या किसी प्लास्टिक रैपर के साथ अच्छे से कवर कर लेना है ताकि आपके बालों में हीट प्रोड्यूस हो जाए, जिससे इसके सारे बेनिफिट आपके बालों को मिल सकें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।